नमस्कार दोस्तों, अभी उठे हैं, अभी चलाऊं मैं। रात को कन्नड़ में जाम था, शाम को तकरीबन 8 बजे कन्नड़ में घुसे थे, तो सुबह के 4 बजे कन्नड़ से निकले हैं। कन्नड़ क्रॉस करने के बाद मैं सो गया था, उसके बाद चला था। ये मेरे गांव का पाल आया हुआ है मेरे साथ में, ये तो अभी ये पहुंचा इधर तक। सभी गाड़ियां स्लो मोशन में चढ़ रही है और अब की बार मैं लेके आया हूँ 10 चक्का 12 चक्का पर नरेश, जो बंगलोर का चक्कर लगा के नारियल लोड करके गए चंडीगढ़ का, वो गाड़ी इस वक्त चंडीगढ़ खाली हो रहा है। तो दोस्तों, मैं हूँ 55 स्थान पर और इस वक्त महाराष्ट्र में जो पहले गाड़ी चलाता था वो है इस वक्त चंडीगढ़ में। देखते रहिए वीडियो और लेते रहिए मज़ा। Thank you.
साथियों अपना घाट हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पर श्री कृष्ण जी का मंदिर है अपने राइट साइड में, पुराना मंदिर है। ये तो नहीं पता कितनी दूर है। तो साथियों अपना हो गया है भीड़ घाट कंप्लीट। फुटपाथ पे फूलों के पौधे लगे हुए हैं, देखिए साथियों कितने अच्छे लग रहे हैं। तकरीबन सभी फूलों से लद चुके हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। इधर मौसम है जो ना गर्मी है ना सर्दी है। हरियाणा, पंजाब, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, उधर तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इधर का मौसम है बहुत अच्छा है, न गर्मी है न सर्दी है, धूप निकली हुई है। देखते हैं बेंगलोर कब तक पहुंच पाती है, क्योंकि अपना लोड बेंगलोर का है और एक गाड़ी आज बेंगलोर पहुंच चुका है, एक गाड़ी चंडीगढ़ में, और हम हैं इस वक्त महाराष्ट्र में, भीड़ क्रॉस किया है।
वक्त मैं हूँ पचपनस्थान में, आपको अंदर का व्यू दिखा देता हूँ। दोस्तों ये है कालाराम माई फ्रेंड, और ये खड़ा इसका ट्रक HTC का मार्क का नंबर है 111-7-HR-56B। तो देखते हैं दोस्तों इस गाड़ी को अंदर से, इसका डेकोरेशन नया गाड़ी है अभी लिया है। ये देखिए अंदर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम पहुंचने वाले हैं उस्मानाबाद। तो उस्मानाबाद के बाद तुलजापुर और सोलापुर। तो नाइट में चला था पाल, नाइट में क्या सुबह 4 बजे चला था वो। रात को कन्नड़घाट में जाम लग गया था, 9 बजे कन्नड़घाट में मैं आके खड़ा हुआ था। सुबह 4 बजे 4:30 बजे निकला हूँ वहाँ से। तो उसके बाद ड्राइवर सीट पर आ गए थे पाल और मैं सो गया था। मैं उठा हूँ सुबह 9 बजे पीड़घाट से पीछे, तो उधर से उठ के चला हूँ मैं। तो अभी पहुँचे हैं उस्मानाबाद, उस्मानाबाद के बाद तुलजापुर, तुलजापुर के बाद सोलापुर, सोलापुर का बाईपास होते हुए हम चलेंगे बीजापुर होते हुए हॉस्पिटल होते हुए बेंगलोर। तो दोस्तों आ गए हैं रेलवे स्टेशन उस्मानाबाद।